धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक में छिपली से मोहंदी मार्ग पर डाबा माइनर नहर में एक व्यक्ति के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है मृतक युवक का नाम ईश्वर निषाद है, जो फल का व्यापार करता था। बताया ये भी जा रहा है कि युवक शराब पीने का आदि भी था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक में छिपली से मोहंदी मार्ग पर डाभा माइनर नहर में एक व्यक्ति के शव मिलने के कारण क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों की माने तो मृतक सुबह 9 बजे नहर के किनारे बैठा हुआ था, जो प्रथम दृष्टया नशे में रहना प्रतीत हो रहा था। मृतक की पहचान मेघा निवासी फल व्यवसायी ईश्वर निषाद के रूप में की गई है। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे थे, जहां मृतक गरियाबांध जिले के ग्राम कस का निवासी है, जो काफी वर्षों से अपने ससुराल ग्राम मेघा में अपने परिवार के साथ रहकर फल का व्यापार करता था। मृतक के आसपास के मित्रों ने बताया कि वह प्रतिदिन शराब का सेवन करता था तथा कभी कभी तो अत्यधिक शराब पी भी लेता था। आशंका जताई जा रही है कि मृतक की मौत अत्यधिक शराब के नशे में नहर में गिर जाने से हुई होगी, क्योंकि नहर में पानी का बहाव भी तेज था, जिसके कारण अपने आप को संभाल नहीं पाया होगा। मृत्यु के सही कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही उजागर होगा। बहरहाल मगरलोड पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। पुलिस को सूचना मिला सुबह कि मोदी में किनाल है, जो पानी बह के आ रहा है, उसमें एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला है। सूचना पर अज्ञात व्यक्ति का बताया गया था, उम्र करीब 40 साल, मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची तो उसको एक ईश्वर निषाद के रूप में शिनाख्त हुआ है, मेघा का रहने वाला। प्रथम दृष्टया ये अभी तथ्य ज्ञात हुआ है कि वो व्यक्ति काफ़ी शराब सेवन करता था और संभवतः किनाल के पास गए होंगे, और शराब होने के बाद उसका पानी में बह गया था और जिसके कारण डेथ होना ज्ञात हुआ है। धमतरी से योगेंद्र साहू की रिपोर्ट, ACN24।